हेलो एवरीवन वेलकम टू यू इंग्लिश विद प्रमोद पर माय डियर फ्रेंड्स आज की क्लास में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स आज की जो क्लास है विलियम शेक्सपियर पर बेस है विलियम शेक्सपियर के विषय में जो क्रिटिकल कमेंट हैं स्टेटमेंट हैं आज की क्लास में उनका डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स यदि आप चैनल पर न्यू हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें आइकन को भी प्रेस कर लें माय डियर फ्रेंड्स आप लोगों से अंबल रिक्वेस्ट है कि सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सपोर्ट करें चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आई विश आई कुड राइट अ ब्यूटीफुल प्ले लाइक ट्वेल्थ नाइट हुज स्टेटमेंट इज दिस ये स्टेटमेंट किशपैट का है जी बी शाह का है एलेक्जेंडर पोप का है बेन जॉनसन का है डॉक्टर जॉनसन का है रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट right आंसर क्या होगा आई विश आई कुड राइट अ ब्यूटीफुल प्ले लाइक ट्वेल्थ नाइट इंपॉर्टेंट है रिस्पॉन्स करिए आई विश आई कुड राइट अ ब्यूटीफुल प्ले लाइक ट्वेल्थ नाइट ध्यान रखिएगा ये जो फेमस स्टेटमेंट है जी बी शाह का है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ओके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू फॉर दियर इज एन अप स्टार्ट क्रो ब्यूटीफुल विद आवर फीदर्स दैट विथ हिज टाइगर्स हार्ट राइव्ड इन अ प्लेयर्स हाइट हुज स्टेटमेंट इज दिस फेमस स्टेटमेंट किस पॉइंट का है जी बी शाह का है बेन जॉनसन का है डॉक्टर जॉनसन का है या फिर रॉबर्ट ग्रीने का है रिस्पॉन्स करें क्वेश्चन नंबर टू का राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर टू फॉर दियर इज आयन अप स्टार्ट क्रो ब्यूटीफुल विथ और फीदर्स फ्रेंड्स यहाँ पर फोकस करिए ब्यूटीफुल विथ और फीदर्स दैट विथ हीज टाइगर्स हार्ट राइव्ड इन अ प्लेयर्स हाइड ये जो फेमस स्टेटमेंट है विलियम शेक्सपियर के विषय में किसने दिया है तो ध्यान रखिएगा रॉबर्ट ग्रीन इज द राइट आंसर ये जो फेमस स्टेटमेंट है विलियम शेक्सपियर के विषय में रॉबर्ट ने दिया है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ओके ध्यान रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कहां पर दिया है तो ध्यान रखना ग्रोथ्स वर्थ ऑफ बिट ग्रोड्स वर्थ ऑफ बिट रॉबर्ट ग्रीने का ये फेमस वर्क है इसी वर्क में ये फेमस लाइन आई है ओके ये वर्क कब आता है ध्यान रखिएगा फिफ्टीन नाइन्टी टू में पंद्रह सौ बानबे में ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री आई एंड बींग एन ऑब्सल्यूट जोहानस फैक्टोटम इन हिज ओन कंसीट द ओनली शेक शीन इन अ कंट्री हुज स्टेटमेंट इज दिश ए फेमस स्टेटमेंट किस पोइट का है रॉबर्ट ग्रीने का है बेन जॉनसन का है जॉन ड्राइडन का है या फिर जॉन मिल्टन का है रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर थ्री का राइट right आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर थ्री फ्रेंड्स यहाँ पर फोकस करिए जोहस फैक्टोटम जोहान्स फैक्टोटम ये जो फेमस लाइन है फेमस स्टेटमेंट है टीजीटी एग्ज़ाम 2021 में पूछा गया है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर थ्री की बात करें ये फेमस जो स्टेटमेंट है नन अदर देन रॉबर्ट ग्रेने रॉबर्ट ग्रेने का ही स्टेटमेंट है ऑप्शन ए एज द राइट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर आई लव दैन एंड डू ऑनर हिज मेमोरी ऑन दिस साइड आइडोलेट्री एज मच एज आई हुज स्टेटमेंट इज दिस फेमस स्टेटमेंट विलियम शेक्सपियर के विषय में किस पॉइंट ने दिया है वेन जॉनसन डॉक्टर जॉनसन टी एसिलियर टॉमस कार्लाइल क्वेश्चन नंबर फोर को रिस्पॉन्स करिए राइट आंसर क्या होगा आई लव द मैन एंड डू ऑनर हिज मेमोरी ऑन दिस साइट आइडोलेट्री एज मच एज आई रिस्पांस करिए क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर की बात करें तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो फेमस स्टेटमेंट है विलियम शेक्सपियर के विषय में बेन जॉनसन ने दिया है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ ही वाज़ इंडीड ऑनेस्ट एंड आफ एंड ओपन एंड फ्री नेचर हुज स्टेटमेंट इज दिस फेमस स्टेटमेंट किस पोइट का है रॉबर्ट ग्री ने रॉबर्ट सदे जे बी शाह बेन जॉनसन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को रिस्पॉन्स करिए राइट आंसर क्या होगा ये फेमस स्टेटमेंट विलियम शेक्सपियर के विषय में किस पोइट ने दिया है रॉबर्ट ग्रीने रॉबर्ट सदी जीबी शाह बेन जॉनसन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ ही was indeed डीड ऑनेस्ट एंड ऑफ open ओपन एंड फ्री नेचर ध्यान रखिएगा ये जो फेमस स्टेटमेंट है विलियम शेक्सपियर के विषय में नन अदर देन बेन जॉनसन का है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स शॉल ऑफ द एज द प्लाउज डिलाइट द वंडर ऑफ आवर स्टेज हुज स्टेटमेंट इज दिस क्वेश्चन नंबर सिक्स का राइट आंसर क्या होगा ये फेमस स्टेटमेंट किस पोइट का है वेन जॉनसन रॉबर्ट फ्रॉस्ट टी सिलियट जॉन मिल्टन रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर सिक्स का राइट right आंसर क्या होगा शॉल ऑफ द एज द प्लाउज डिलाइट द वंडर ऑफ आवर स्टेज फ्रेंड्स ये जो फेमस स्टेटमेंट है विलियम शेक्सपियर के विषय में नन अदर देन बेन जॉनसन का है ऑप्शन ए एज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर सिक्स का ऑप्शन ए एज द राइट आंसर ओके क्वेश्चन नंबर सेवन इस्माल लेटिन एंड लेस्ट ग्रीक हुज स्टेटमेंट इज दिश विलियम शेक्सपियर के विषय में ऐसा स्टेटमेंट किसने दिया इस्माल लेटिन एंड लेस ग्रीक टॉमस राइमर टॉमस नाशी रॉबर्ट ग्रीने बेन जॉनसन क्वेश्चन नंबर सेवन को रिस्पॉन्स करिए राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर सेवन विलियम शेक्सपियर के विषय में किस पॉइंट ने स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक स्टेटमेंट दिया है तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर सेवन की बात करें तो वंस अगेन बेन जॉनसन इज द राइट आंसर ए बेन जॉनसन का स्टेटमेंट है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम हुज स्टेटमेंट इज दिस रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर एट का राइट right आंसर क्या होगा ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम विलियम शेक्सपियर के विषय में ये फेमस स्टेटमेंट किस एट का है जॉन मिल्टन जॉन रशकिन जॉन ड्राइडेन बेन जॉनसन रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट का राइट right आंसर क्या होगा ही वॉज नॉट ऑफ एज बट फॉर ऑल टाइम क्वेश्चन नंबर एट की बात करें ए फेमस स्टेटमेंट नन अदर देन बेन जॉनसन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर बेन जॉनसन का ही स्टेटमेंट है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर नाइन स्वीट स्वान ऑफ अवन हुज स्टेटमेंट इज दिस विलियम शेक्सपियर जी को स्वीट स्वान ऑफ अवन किसने कहा है बेन जॉनसन ने कहा है रॉबर्ट ग्रीने ने कहा है वेकन ने कहा है थॉमस न्यूटन ने कहा रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन का राइट right आंसर क्या होगा किस पोइट ने विलियम शेक्सपियर जी को स्वीट स्वान ऑफ अवन कहा है रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर नाइन की बात करें वंस अगेन वेन जॉनसन इज द राइट आंसर वेन जॉनसन ने ही विलियम शेक्सपियर जी को स्वीट स्वान ऑफ अवन कहा है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम हुज स्टेटमेंट इज दिस फ्रेंड्स ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है रिस्पॉन्स करिए ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम किसका इस्टेटमेंट है ये बेन जॉनसन का है ऑप्शन एज द राइट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एलेवन आवर स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड हुज स्टेटमेंट इज दिस ए फेमस स्टेटमेंट किस पोइट का है आवर स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड बेन जॉनसन का है जॉन मिल्टन का है जॉन ड्राइडन का है या फिर रॉबर्ट ग्रीने का है क्वेश्चन नंबर अलेवन को रिस्पॉन्स करिए राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर अलेवन की बात करें आवर स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसिस चाइल्ड ये फेमस स्टेटमेंट विलियम शेक्सपियर के विषय में जॉन मिल्टन ने दिया है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ओके क्वेश्चन नंबर इलेवन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा गॉट इट कहां पर दिया है ध्यान रखना एल एलिग्रो एल एलिग्रो ओके एल एलिग्रो में यह स्टेटमेंट दिया है जॉन मिल्टन ने शेक्सपियर के विषय में ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व ही वाज द मैन हू ऑफ ऑल मॉडर्न एंड परहेप्स एनशियट पोएट्स हैड द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट कंप्रहेंसिव सोल हुज स्टेटमेंट इज दिस ए फेमस स्टेटमेंट विलियम शेक्सपियर के विषय में किस पोएट ने दिया है जॉन मिल्टन जॉन ड्राइडेन जॉन रस्किन

तो फ्रेंड्स जॉन ड्राइडन का स्टेटमेंट ऑप्शन बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्टीन को रिस्पॉन्स करिए राइट आंसर क्या होगा आई एडमेयर हिम बट आई लव शेक्सपियर मैं उनकी प्रशंसा करता हूं बट आई लव शेक्सपियर हुज स्टेटमेंट इज दिस ए फेमस स्टेटमेंट विलियम शेक्सपियर के विषय में किस पॉइट ने दिया है बेन जॉनसन डॉक्टर जॉनसन जॉन मिल्टन जॉन ड्राइडन क्वेश्चन नंबर थर्टीन को रिस्पॉन्स करिए वाट विल बी द राइट आंसर फ्रेंड्स यहाँ पर हिम किस पोइट के लिए आया है रिस्पॉन्स करिए मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ लेकिन मैं प्यार शेक्सपियर से करता हूँ किस पॉइंट का स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर थर्टीन क्वेश्चन नंबर थर्टीन की बात करें तो फ्रेंड्स जॉन ड्राइडन इज द राइट आंसर ये फेमस स्टेटमेंट जॉन ड्राइडन का है जॉन ड्राइडन ने कहाँ पर स्टेटमेंट यह दिया है तो ध्यान रखिएगा एशी ऑफ ड्रामेटिक प्वाइजी एशे ऑफ ड्रामेटिक प्वाइजी ओके फ्रेंड्स यहाँ पर हिम किस पोर्ट के लिए आया है रिस्पॉन्स करिए ध्यान रखना यहाँ पर जो हिम है आई एडमेयर हिम यहाँ पर हिम बेन जॉनसन के लिए आया है ओके ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर थर्टीन का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा जॉन ड्राइडन का स्टेटमेंट है ओके और हिम किसके लिए आया है बेन जॉनसन के लिए ओके क्वेश्चन नंबर फोर्टीन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन को रिस्पॉन्स हिज स्टोरी रिक्वायर्स रोमन्स एंड किंग्स बट ही थिंक्स ओनली ऑन मैन हुज स्टेटमेंट इज दिस ए फेमस स्टेटमेंट विलियम शेक्सपियर के विषय में किस पॉइंट ने दिया है डॉक्टर सेमुल जॉनसन बेन जॉनसन जॉन ड्राइडेन मैथ्यू रोनॉल्ट रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर फोर्टीन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन का राइट right आंसर क्या होगा हिज स्टोरी रिक्वायर्स रोमन्स एंड किंग्स बट ही थिंक्स ओनली ऑन मेन फोर्टीन को रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर फोर्टीन की बात करें तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है पी के एग्जाम 2016 में ये पूछा गया है हिज स्टोरी रिक्वायर्स रोमन एंड किंग्स बट ही थिंक्स ओनली ऑन मेन ए डॉक्टर शमूल जॉनसन का स्टेटमेंट ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन डियर सना मेमोरी ग्रेट एयर ऑफ फेम वाट नीडेस्ट दाऊ सच बीक विटनेस ऑफ दाई नेम हुज स्टेटमेंट इज दिस ए फेमस स्टेटमेंट किस पॉइंट का है जॉन ड्राइडे जॉन मिल्टन रॉबर्ट ग्रीने जीवी शाह रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन का राइट आंसर क्या होगा डियर सना मेमोरी ग्रेट ईयर ऑफ फेम वाट नीडेस्ट दाउ शर्च बीक विटनेस ऑफ दाई नेम क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन की बात करें तो फ्रेंड्स ये जो फेमस स्टेटमेंट है जॉन मिल्टन का है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर जॉन मिल्टन ने कहां पर स्टेटमेंट ये दिया है तो ध्यान रखना है ऑन शेक्सपियर मिल्टन जी का वर्क है एक ऑन शेक्सपियर सिक्सटीन थर्टी ध्यान रखिएगा ऑन शेक्सपियर मिल्टन जी का फर्स्ट पब्लिसी वर्क है ओके क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा टीयर सना मेमोरी ग्रेट ईयर ऑफ फेम वारिश दाउ सच बीक विटनेस ऑफ दाई नेम ये जो फेमस स्टेटमेंट है जॉन मिल्टन का है शेक्सपियर के विषय शे में दिया है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन दांते एंड शेक्सपियर डिवाइड द मॉडर्न वर्ल्ड बिटवीन देम देयर इज नो थर्ड हुज स्टेटमेंट इज दिस ए फेमस स्टेटमेंट किस पोएट का है दांते एंड शेक्सपियर डिवाइड द मॉडर्न वर्ल्ड बेडविन देम कि दांते और शेक्सपियर ने वर्ल्ड को बांट लिया है कोई तीसरा नहीं है ये स्टेटमेंट किसका है पी एस इलियट का है डॉक्टर जॉनसन का है बेन जॉनसन का है या फिर जॉन ड्राइडन का है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन रिस्पॉन्स इमिडिटली क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन का राइट right आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन की बात करें तो फ्रेंड्स ये जो फेमस स्टेटमेंट है दांते एंड शेक्सपियर डिवाइड द मॉडर्न वर्ल्ड बिटवीन बीन देम दियर इज नो थर्ड ये जो फेमस स्टेटमेंट है टी इलियट का है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवनटीन आदर्श अवॉइड अवर क्वेश्चन दाउ वर्ड फ्री हुज स्टेटमेंट इज दिस फेमस स्टेटमेंट विलियम शेक्सपियर के विषय में किसने दिया है मैथ्यूर टी टेस्टी एस टी कॉलरिजर्थ रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन वाट विल बी द राइट आंसर आदर्श अवॉइड अवर क्वेश्चन दा वर्ड फ्री फ्रेंड्स जो फेमस स्टेटमेंट है विलियम शेक्सपियर के विषय में मैथ्यू अर्नॉल्ड ने दिया है ऑप्शन इज द राइट आंसर ओके क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा कहां पर दिया है तो मैथ्यू अर्नॉल जी ने एक सॉनेट लिखी है सॉनेट शेक्सपियर करके ओके okay. वहीं से लाइन ली गई है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दाउ स्माइलेज एंड आर्ट स्टिल आउट टॉपिंग नॉलेज हुज स्टेटमेंट इज दिस ए फेमस स्टेटमेंट किस पॉइंट का है डॉक्टर जॉनसन बेन जॉनसन रॉबर्ट ग्रीने, मैथ्यू रोनल्ड रिस्पॉन्स इमीडिएटली दाउ स्माइलेज एंड आर्ट स्टिल आउट टॉपिंग नॉलेज क्वेश्चन नंबर एटीन की बात करें तो फ्रेंड्स से फेमस जो लाइन है मैथ्यू रोनाल्ड की है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ओके शॉनेट ऑन शेक्सपियर ओके ऑप्शन डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइनटीन द ग्रेटेस्ट जीनियस दैट परहेप्स ह्यूमन नेचर हैड एट प्रोड्यूस्ड आवर मैरियाड माइंडेड शेक्सपियर हुज स्टेटमेंट इज दिस ए फेमस स्टेटमेंट विलियम शेक्सपियर के विषय में किस पॉइंट ने दिया है रॉबर्ट ग्रीने निकोलस रो जीबीशॉ एस्टिकॉलरिज रिस्पॉन्स इमीडियटली क्वेश्चन नंबर नाइन्टीन क्वेश्चन नंबर नाइनटीन का राइट right आंसर क्या होगा द ग्रेटेस्ट जीनियस दैट परहेब्स ह्यूमन नेचर हैड इट प्रोड्यूस्ड आवर मायरियार्ड माइंडेड शेक्सपियर फ्रेंड्स आप यहाँ से कैच करिए आवर मायरियाड माइंडेड शेक्सपियर ओके ये जो फेमस स्टेटमेंट है नन अदर देन एस्टी कॉलरिज ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर ओके एस टी कॉलरिज का स्टेटमेंट है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी दाउ आर्ट अ मोनूमेंट विदाउट अ टोम हुज स्टेटमेंट इज दिस ए फेमस स्टेटमेंट किस पॉइंट का है बेंजामिन वेकन रॉबर्ट एस एसिलियट दउ आर्ट अ मोनूमेंट विदाउट अ टोम क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी को रिस्पॉन्स करिए राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी की बात करें तो फ्रेंड्स ये जो फेमस लाइन है बेन जॉनसन के है ऑप्शन एज द राइट आंसर इस वर्क से ली गई है ध्यान रखना टू द मेमोरी ऑफ माई बिलव्ड द आथर मिस्टर विलियम शेक्सपियर से ली गई है ऑप्शन एज द राइट आंसर ट्वेंटी फर्स्ट इन अ वर्ल्ड ही इज द यूनिवर्सल पोएट हुज स्टेटमेंट इज दिश ए फेमस स्टेटमेंट किस पोएट का है ही इज द यूनिवर्सल पोएट की वे यूनिवर्सल पोएट हैं टॉमस राइमर का है टॉमस नशे का है विलियम जे लॉन्ग का है गेटे का रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फर्स्ट ट्वेंटी फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा इन आ वर्ल्ड ही इज द यूनिवर्सल पोएट ये जो फेमस स्टेटमेंट है फेमस लाइन है विलियम जे लॉन्ग की है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ओके विलियम शेक्सपियर के विषय में ऐसा स्टेटमेंट विलियम जे लॉन्ग ने दिया है ओके गॉट इट नेक्स्ट ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू को रिस्पॉन्स करिए आई डू नॉट रिम्बर दैट एनी बुक आर पर्सन आर इवेंट इन माई लाइफ वर मेड सो ग्रेट एन इम्प्रेशन अपान मी एज द्लेज ऑफ शेक्सपियर हुज स्टेटमेंट इज दिस ए फेमस स्टेटमेंट किसका है गेटे का है टी एसिलियट का है बेन जॉनसन का है जॉन ड्राइडन का है रिस्पॉन्स करिए ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू का राइट आंसर क्या होगा आई डू नॉट रिम्बर दैट एनी बुक आर पर्सन आर इवेंट इन माई लाइफ इवर मेड सो ग्रेट एन इम्प्रेशन अपॉन मी एज द प्लेस ऑफ शेक्सपियर फ्रेंड्स एज अ फेमस स्टेटमेंट है फेमस जो लाइने हैं गेटे की हैं ऑप्शन एज द राइट आंसर ओके गेटे इज द राइट आंसर घट इट नेक्स्ट ट्वेंटी थ्री शेक्सपियर हैज़ नो हीरोज बट ओनली हीरोइंस हुज स्टेटमेंट इज दिस ए फेमस स्टेटमेंट किस पॉइंट का है शेक्सपियर हैज़ नो हीरोज बट ओनली हीरोइंस जॉन ड्राइड एंड जॉन रस्किन जॉन मिल्टन जॉन किट्स इज इवन है जॉन रस्किन इज द राइट आंसर ये जॉन रस्किन का स्टेटमेंट है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ओके और ये क्वेश्चन जो है टीजीटी एग्जाम 2011 में पूछा गया है नेक्स्ट 24 फोर ऑफ ऑल शेक्सपियर प्लेस मैकबेथ इज द मोस्ट रैपिड हेमलेट इज द स्लोवेस्ट इन मूवमेंट हुज स्टेटमेंट इज दिस ए फेमस स्टेटमेंट किस पोएट का है कॉलरिज विलियम लैंगलैंड विलियम जेम्स जॉन ड्राइडन ऑफ ऑल शेक्सपियर्स प्लेज मैकबेथ इज द मोस्ट रैपिड विलियम शेक्सपियर के सभी प्लेज में मैकबेथ जो है मोस्ट रैपिड है हेमलेट जो है स्लोवेस्ट है किसका मानना है कॉलरिज विलियम लैंगलाइन विलियम जेम्स जॉन ड्राइडेन रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर की बात करें तो फ्रेंड्स ट्वेंटी फोर वंस अगेन एस टी कॉलरीज एस टी कॉलरीज का स्टेटमेंट है ऑप्शन एज द राइट आंसर ध्यान रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये ओके okay. ऑफ ऑल शेक्सपीयर्स प्लेज मैकबेथ इज द मोस्ट रैपिड हेमलेट इज द स्लोवेस्ट इन मूवमेंट ऐसा मानना टी कॉलरीज़ का है ऑप्शन ए एज द राइट आंसर नेक्स्ट शेक्सपियर इज अ ड्रंक इन सवेज विथ सम इमेजिनेशन हुज प्लेज प्लीज ओनली इन लंदन एंड कनेडा हुज स्टेटमेंट इज दिस ए फेमस स्टेटमेंट विलियम शेक्सपियर के विषय में किस किसपर्ड ने दिया है टॉमस कार्लाइल बेन जॉनसन बेकन वल्टायर ट्वेंटी फाइव को रिस्पॉन्स करिए राइट आंसर क्या होगा शेक्सपियर इज अ ड्रंकन सैवेज किसने शेक्सपियर को ड्रंकन सैवेज कह दिया तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव की बात करें नन अदर देन वल्टेयर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ये वल्टेयर का स्टेटमेंट है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हम लोगों ने विलियम शेक्सपियर के विषय में मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्वेंटी फाइव क्रिटिकल कॉमेंट को डिस्कस किए हैं फ्रेंड्स फ्रेंड्स यदि आप चैनल पर न्यू हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को भी प्रेस कर लें माय डियर फ्रेंड्स आप लोगों से हम रिक्वेस्ट है कि सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सपोर्ट करें थैंक यू वेरी मच